بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد माशाल्लाह इस वक्त जो इवेंट हो रहा है ये इवेंट बजाय तौर पर इसको पाकिस्तानियों का एक तरह इम्तियाज़ कह सकते हैं, एक ऐसी इवेंट जिस पर हमारी कुवैत में रहने वाली कम्युनिटी, सारी दुनिया में एक्सपेट्रिएट और पाकिस्तानी कौम फ़ख्र कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड डोनेशन वाला एक्टिविटीज़ है ये तो हमेशा चलते रहते हैं और माशाल्लाह अब इतनी फ्रीक्वेंटली और तवातुर से और तसलसल से हो रहा है कि अब वो 3 महीने वाला चक्कर या 4 महीने वाला चक्कर या साल में 2 बार 3 बार वो चला गया और अब हफ्तों और महीनों से ये हो रहा है, ये कार्य खैर है। और इस कार्य खैर पर्टिकुलरली ये जो मौजूदा हो रहा है ये पाकिस्तान स्पोर्ट एसोसिएशन की तरफ से एक ऐसा इवेंट है कि जो हमारे मजलूम और निहत्थे फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए और यहाँ से ब्लड डोनेट होने वाले उनकी ये प्रायोरिटी है कि उनको वहाँ पे ये डोनेट किया जाए, तो एक बहुत बड़ा मतलब इवेंट है। और इस इवेंट में यहाँ पे फ़लस्तीन के सफ़ीर भी आए हुए हैं और ये इजहार है उनकी इस प्रोग्राम को इंडोर्स करने के लिए। राणा साहब का बहुत शुक्रिया। BS से इरफान आदिल, ये लोग कुछ करना चाहते हैं यहाँ रहते हुए, क्या कहेंगे जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये अमर मेरे लिए इंतहाई बायस मसरत है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड कैंप का इनेकाद किया जा रहा है और जिसमें लोग जौक दर जौक तशरीफ़ ला रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अमल दखल का ताल्लुक है, यकीनन उनके ज़िम्मेदारान अपनी मेहनत और बल्कि शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। और उनके सबसे बड़ी बात यह है कि कुवैत में तमाम मीडिया एग्जेक्टिव्स जो हैं उनके शाना बशाना खड़े हैं, तो ये एक कम्बाइन मैं कहूँगा कि जॉइंट वेंचर है जिसको वो लेके चल रहे हैं। कोई भी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन हो, बुनियादी मकसद यह है कि हमारे दरमियान जो ताल्लुक है वो है सब्ज़ हलाली परचम। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हम सबको एक साथ एक तस्वीर में परो देता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो या कुवैत पाकिस्तान ब्लड डोनर्स या जनाब नुमान घुमन की पाकिस्तानी डोनर्स इन कुवैत, ये सब एक ही तस्वीर के मोती हैं जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस नस्बत से कि ये वो खुशनसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कार खैर के लिए चुन रखा है। ये जो ऐसे इवेंट्स होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप या पाकिस्तानी कम्युनिटी के कोई भी वेलफेयर के इवेंट, पाकिस्तानियों का क्या इमेज जाता है? आप माशाल्लाह इनके साथ उठना बैठना है कोतियों के साथ, क्या वहाँ पर क्या डिस्कशन होता है? देखिए इमरान भाई, माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हैं। हर वो काम जो कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है वो बंदा नहीं बोलता, उसका काम बोलता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नाम पर जितनी भी तंजीमें कुवैत में मुकीम हैं वो बहुत अच्छा अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम कर रही हैं, ठीक है। और सैलाब का वक्त हो, जलजले का वक्त हो, कोई भी आफत हो वतन अजीज़ पर, ये अपनी जान पर जो है ना खेल जाते हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों को शाना बजाना खड़े होते हैं। रहीम قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتي من يشاء, कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जिसको रब कायनात ये अता फरमाते हैं, मखलूक की खिदमत के लिए चुनते हैं। अल्लाह ताला ने हर एक की ड्यूटी लगाई है, किसी को दीन के लिए चुना, किसी को दुनिया के लिए चुना, मखलूक की खिदमत के लिए। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है हर मिशन में, हर काम में, कुवैत में, कुवैत की कम्युनिटी में माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हर काम में जो है वो कदम बढ़ा के कुवैत वालों का साथ देते हैं। तो चूँकि यहाँ ब्लड की बहुत कमी होती है, तो ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये खासा अता फरमाया कि हमेशा से हर 2 महीने 4 महीने बाद ये ब्लड डोनेशन का इनेकाद करते हैं। मैं मकबूल साहब और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद के देता हूँ, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, जिन्होंने ये इतना खूबसूरत ये गुलदस्ता सजाया।
और जिन्होंने खून दिया अल्लाह ताला से दरख्वास्त है अल्लाह ताला उनकी इस काबिश को भी खून देने को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हसन अली है और मैं यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आया हूँ पैलेस्टाइन कॉज के लिए, और हम इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं आपके लिए ये बहुत हेल्दी होता है और आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, और ये आपके आगे आने वाले जो ब्लड सेल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लड डोनेट करें और इस मैसेज को आगे तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने अभी ब्लड डोनेट किया, राइट? हाँ। हाउ यू फील? Good, better. Better? Yeah. First time, yeah, actually. Who motivated you? How you get motivation? Actually, I came here last time as well for some other situation, but I couldn't. So this time I got my chance, so I give. I will say just this nothing, just come and just donate because you won't feel anything. That's good. Yeah. You know the cause of this blood donation? Yeah, it's for Gaza. Thank you very much. That's one of the motivation I have come here. That's one. Okay, yeah. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा ये बताएं मुझे, आपने ये फर्स्ट टाइम दिया डोनेशन? जी मैंने पहले भी कोशिश की थी आने की लेकिन आ नहीं पाया, तो बस मैं यही कह सकता हूँ जितना खून चाहिए ले लें मुझसे, जितना चाहिए ले लो, ले दूसरों के लिए मदद कर रही हूँ। फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने ब्लड दिया आपकी बॉडी से चंद क्वान्टिटी निकली है। मैं ठीक हूँ, आपको और चाहिए तो ले लें। क्या बात, दूसरों की हेल्प करने के लिए तो हम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? यस। हाउ यू फील? इट्स फर्स्ट टाइम। Feeling good? Yeah. Not feel dizzy, not like this? Nothing. He says, my motivation is Gaza, you know, so this is a good cause. For me, it's same. It's for Palestine. Palestine. Yeah. That's good. Thank you very much. आसिम साहब ये बताइए, अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बड़ी खुशी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे? सब फर्स्ट टाइम ही है सर। पहले डोनेट किया आपने? पहले नहीं किया। तो क्या मैसेज देंगे जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हेजिटेशन होती है, एक दफ़ा आप दे दें तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। देखें जैसे माल का सदका, ये जिंदगी का खतरा है, लाइफ का सदका है, तो ये जरूर देना चाहिए। अल्लाह कबूल करे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? सर ठीक। सर मैं आपको देख रहा था, आपने माशाल्लाह ब्लड डोनेट किया है, और अब अक्सर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कोई भी ऐसा काज होता है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो होता है, अब उसमें पेशपेश होते हैं। पहले तो ये बताइए कि ब्लड डोनेशन के बाद, अभी डोनेट करने के बाद क्या फीलिंग है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। ब्लड देना जो है बड़ा कार्य खैर का काम है, दे के तो ज़्यादा ज़रा खुशी होती है। वैसे भी जो आप जिन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो भी काबिल तहसीन है। काबिल तहसीन जो लोग ब्लड नहीं दे रहे, काबिल तहसीन है जो भी इस काज के लिए काम कर रहे हैं। सही। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज एक बंदा अपने जिस्म में मौजूद खून को अतिया करता है तो वो खून बिस्तरे मरग पर तड़पते सिसकते और करीबुल मरग लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के काम आता है। आपका दिया हुआ खून कई घरों को खुशियों में दोबारा ला सकता है। और ये हमारे यहाँ ये गलतुलाम है कि खून देने से कमज़ोरी हो जाती है, ज़ोफ हो जाता है, लागरी आ जाती है, ऐसी कतन कोई बात नहीं, बल्कि खून देने से आपका खून दोबारा से नया ताज़ा सहले खून पैदा होता है, आपके जिस्म को तरोताज़ा करता है, आपकी जो जिस्मानी सलाहियतें हैं उनको दवाम बख्शता है, उनमें क़ुव्वत आती है, आज़ाए रईसा मजबूत हो जाते हैं, दिल दिमाग गुर्दे पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं, और आप बहुत सी जल्दी बीमारियों से महफूज रह जाते हैं, जैसे कि जल्द में मुख्तलिफ ख़ारिश दाने या दूसरे अमराज आ जाते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। आप आइए, खून के अतियात पेश करें और कई घरों में खुशियों को दोबारा से लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या फ़ील कर रहे हैं अभी आपका ब्लड जो है वो स्टार्ट हो गया? मैंने देखा है बैग जो है वो फुली
हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं, कोई बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है जी बिल्कुल। कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? ये मेरे ख्याल है तीन साल पहले किया था अभी कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल किसी का हेजिटेट फील नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है इंशाल्लाह। तो आइंदा भी करें। ब्लड डोनेट स्टार्ट हो गया आई थिंक? जी जी बिल्कुल। क्या फील हो रहा है? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है, कोई इतना। आप कुवैत से कहाँ से आए हैं? सर कुवैत फरमानिया से। फरमानिया से कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? सर मैनी टाइम कर चुका हूँ, कुवैत में भी 3-4 बार, तो कुवैत में भी कर चुका हूँ। नहीं आपकी पार्टी मतलब बेहतर हो जाती है पहले से, करना चाहिए साल में मैक्सिमम 3 बार, तो आपको मतलब हर बंदे को करना चाहिए। वो कहते हैं जी कि हम ब्लड देंगे, पता नहीं हमारे जिसम में क्या कमजोरियाँ हो जाएंगी। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता सर। आपने 3 बार दिया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। तो मैं पाकिस्तान में देता रहा हूँ, फिर सऊदीया में था उधर काफ़ी बार दिया, अभी कुवैत में भी 1.5-2 साल हो गए, उसमें भी 3-1 बार दे चुका हूँ। देखिए मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मेरा ना साल में 1 बार एक्सीडेंट होता था, एक अच्छा। बार मैंने नोट किया ये बात, जब से मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ऐसी रहमत है कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। वाह क्या बात। मेरे जिस्म पे काफ़ी चोटों का निशान है, लेकिन पता नहीं कैसे कॉलेज में एक डोनेटर आए, वो लोग आए, मैंने ब्लड डोनेट किया, उसके बाद से लेके मैंने नोट किया ये चीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अल्लाह करे जी आपके साथ हादसा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तो ये देते रहना चाहिए, इससे इंसान को फर्क नहीं पड़ता, इंसान की सेहत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। कुवैत से किधर से आए आप? जी मैं फैन से आया हूँ। फैन से आए हैं, फर्स्ट टाइम है? जी फर्स्ट टाइम है। क्या फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग अच्छी है। तो फर्स्ट टाइम जो है ना बड़ा मुश्किल होता है किसी को मोटिवेट करना, चलो यार ब्लड देते हैं। वो बंदा जो फर्स्ट टाइम देने वाला होता है ना, उसको यार पता नहीं क्यों हो जाएगा। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई गल बात नहीं, सब वीर भरावां से गुजारिश है, आओ सो बिस्मिल्लाह अपने हक अदा करो, मुसलमान होने का एक सदका जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह आओ कोई बात। वालेकुम सलाम जी। सर की नाम थोड़ा? मेरा नाम है शवाक। कितों आया कुवैत? कुवैत जो मैं दिनीदलगार। दिनीदलगार जी। फर्स्ट टाइम है थोड़ा? जी मेरा लाइफ फर्स्ट टाइम है। लाइफ फर्स्ट टाइम है। किस तरह तुसी मोटिवेट हुए हो तो? मैं एक्चुअली हुआ हूं कि मैं टैक्सी चलाता हूं ना, टैक्सी में हमारे तकरीबन बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां पे आया था कि फलस्तीन के नाम पे लोन हो रहे, तो मैं फलस्तीन के नाम पे मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पे देने लगा हूं। ठीक है। कि फ़लस्तीन का जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है उसकी वजह से मैंने, शायद हमारी वजह से किसी एक बच्चे की, किसी एक बड़े की जान बच जाए, हो सकता है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम कज़ाफ़ी है। कज़ाफ़ी माशाल्लाह। कोई से किधर से आए हैं? मैं फ़ैल से आया हूँ। फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं? नहीं आगे दिया है, बट पहले भी दिया। हाँ जी। तो क्या फीलिंग है अभी ब्लड आपका जो है वो स्टार्ट हो गया है? बहुत खुशी हो रही है कि ये ब्लड फ़लस्तीन के लिए जा रहा है, हमें इस वजह से, मैं स्पेशल इसी वजह से आया हूँ इतनी दूर से कि ये फ़लस्तीन के नाम पर जा रहा है, तो हम वहाँ जा नहीं सकते, मगर हम उनके लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये हमारी फीलिंग्स बहुत आपको बता नहीं सकते कि कितनी खुशी हो रही है। ये भी एक किस्म का ना आपका जिहाद में हिस्सा है? जी बस इसी वजह से आए हैं कि जिहाद में अगर जा नहीं सकते बाई सेल्फ, बट हम वहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात है। ये भी अल्लाह की तरफ से है कि हम यहाँ पर पहुँच गए। हाँ अल्लाह ताला जो भी यहाँ आए हैं इसके लिए कबूल करे, और इतना दिल खुश हो रहा है कि उसकी फीलिंग्स बता नहीं सकते हम। माशाल्लाह। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखें। मेरे साथ डॉक्टर रहमतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, और हम आज बात करेंगे ब्लड डोनेशन के हवाले से। ब्लड डोनेशन इसके बारे में बताइए कि इसकी कितनी अहमियत है? जी इमरान, ये जो ब्लड डोनेशन है जिसको हम अतिया खून कहते हैं, ये किसी शख्स के साथ इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि खून हमारे जिस्म का हिस्सा है, और जब ब्लड डोनर अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी और इंसान की खिदमत के लिए देता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल है, और बिलखसूस दियार गैर में जब हम खून अतिया करते हैं तो ये वो खिदमत होती है जिसके लिए हम कहते हैं
کہ بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب اور علاقائی نسبت کے علاوہ سرحدوں کے پار خدمت کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں ہوتا کہ جو بلڈ آپ نے ڈونیٹ کیا یہ کس کو لگے گا، صرف ڈونر کو پتہ ہے کہ میں نے ڈونیٹ کیا، نہ ڈونر ریسیپینٹ کو جانتا ہے نہ ریسیپینٹ ڈونر کو جانتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خالص اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلڈ ڈونرز ہیں یہ نیشنل اور انٹرنیشنل ہیروز ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویت کے سینٹر بلڈ بینک جابریہ سے میں پاکستان سپورٹس ایسوسی ایشن کویت کے بھی آپ پہ تمام میڈیا ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ہمارے بلڈ ڈونیشن کیمپ کو، جو ہم نے اپنے فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے نام موسوم کیا اور ان کے اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز کیا، جس میں آپ سب میڈیا نے بڑھ چڑھ کے اس کی کمپین میں حصہ لیا اور یہاں پہ تشریف لائے، اس کیمپ کو کور کیا، ہم اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج تمام کمیونٹی نے، تمام واک آف لائف کے لوگوں نے، تمام کمیونٹی جو یہاں پہ ہے، کویتی اور مقیمین جتنے لوگ ہیں، ایکسپیکٹ کمیونٹی، سب لوگ یہاں پہ آئے، انہوں نے یہاں پہ رجسٹریشن کی، بلڈ ڈونیٹ کیا اور اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی محبت، اپنے خلوص اور اظہار یکجہتی کیا۔ بلڈ ڈونیشن ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایور گرین لاسٹنگ جو ہے یہ ایک نیکی کا کام ہے، عمل خیر ہے، اور پاکستان سپورٹس ایسوسی ایشن کویت ہر سال سالانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ میں بار دیگر تمام میڈیا ممبران، پاکستان امبیسی، بلڈ ڈونیشن بلڈ کیمپ کے اور بلڈ بینک کی انتظامیہ، پاکستان سپورٹس ایسوسی ایشن کی ٹیم، ولنٹیئرس، ڈونرس، سپورٹرس، اسپانسرس، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بھی اس میں حصہ لیا، دامے دیر میں قدمے سکھنے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا سفر اور عمل خیر کا سفر آپ کے سنگ، میڈیا کے سنگ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔